डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। हो चुकी है सुबह, नई सुबह की नई शुरुआत के साथ शुरू करेंगे आज का नया ब्लॉग। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं किशन बोरा, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किशन बोरा ब्लॉग में। दोस्तों सुबह का 10 बज गया है, मैं हूँ धमोई शेरा बंतोली, देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चल रहा है भाई असोज का महीना है, दबा दब काम चल रहा है। लोग जो है महिलाएँ युवा बुजुर्ग बच्चे सारे लोग खेतों में हैं क्योंकि यह है असोज का महीना। तो जो भी लोग बाहर है ना भाई, अभी टाइम है तो सब लोग अभी पहाड़ आ सकते हैं क्योंकि पहाड़ में चल रहा है लगातार असोज का महीना, काम चल रहा है। ये देखिए मेरे पीछे और यहाँ धान का थुपड़ा तैयार हो रहा है, धान कटाई हो चुकी है। कटाई होने के बाद ये लोग जो है अपना थुपड़ा लगा रहे हैं, ये थुपड़ा 2-3 दिन में तैयार हो जाता है, फिर इसमें कुछ महिलाएं कुछ पुरुष और जितने भी गांव वाले हैं एक दूसरे को जो मदद करते हैं वो लोग आते हैं खेत में और लाते हैं मोहटा। पहले चलता था मोहटा, अब हो गया मोहटा ख़त्म, अब चलता है तिरपाल। तिरपाल में धान मनाई होती है और उसके बाद धान मनाई के बाद पराल को सुखाया जाता है। 2-3 दिन सुखाने के बाद पराल को फिर बाद के उसको घर ढोला जाता है, लूटा लगाया जाता है क्योंकि वो घास का काम करती है पराल। वो आती है जब घास नहीं होती है तो वो पराल को, तब जब घास नहीं रहती है उस टाइम पे वो गाय भैंस के लिए चारे का काम करती है पराल, तो इसलिए पराल भी काम आता है और धान तो आता ही आता है। दोस्तों ये है पहाड़ों के सुंदर सुंदर नज़ारे और लोग व्यस्त हैं अपने काम धंधे में। कार्यक्रम और खेतों में चल रही है धान लवाई और धान कटाई भी चल रही है, लवाई चल रही है और थुपड़ा भी यहाँ लोग लगा रहे हैं। अभी दिखाते हैं आपको, यहाँ पर लगे हैं युवा साथी और मुझे मिल गए हैं मदन गुरु हमारे प्रभा और हम दोनों जा रहे हैं अभी खेत में धान कटाई और ये थुपड़ा लगाने भी जा रहे हैं। चले चलते हैं क्योंकि सुबह का टाइम 10 बज गया ना मदन गुरु, 10 बज गया है और आगे यहाँ बंतोली में। चलिए दिखाते हैं कैसे चलती है यहाँ धान कटाई, दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये धान आन काट दिए हैं और यहाँ लग रहा है थुपड़ा, सुनील लगा रहा है थुपड़ा। पहले तो सुनील ले आया है नई बाइक, नई बाइक की बधाई, मिठाई तो हमको इसने खिलाई नहीं है भाई। ये देखो हमारे ये हमारा भतीजा है, ये मेरठ में जॉब करता है लेकिन ये हमेशा जो है वीडियो देखता है वहाँ से कमेंट करता है। और है भाई सुनील बता खुद मैंने धान कल चालू है लेकिन ओके चलो बधाई, गाड़ी आ गई। मिठाई कब होगी? लड्डू आएंगे सीधे। अच्छा अब ये कह रहा है कि सीधे घर लड्डू ही पहुंचाएगा, चलो देखते हैं आ ही जाएंगे जब इसने कह दिया तो। है मदन गुरु ये हमारे मदन गुरु जी हैं, देखो बहुत काम करते हैं ये देखे है ना, इस बार ट्रैक्टर भी रख दिया इन्होंने है। ये देखो दोस्तों हमारे जो आपको दिखाते हैं ना पहाड़ों में किस तरीके से खेती होती है, देखिए ये धान काट दिए हैं महिलाओं ने और ये देखिए अब ये थुपड़ा लगा रहे हैं, इसको सब इकट्ठा करते हैं एक जगह पर, ये थुपड़ा लगा देते हैं, हम इसको थुपड़ा बोलते हैं पहाड़ी में है। और ये कितने 6-7 दिन के बाद होती है तैयार ना, 3-4 दिन के बाद ये तैयार हो जाता है, उसके बाद इसकी मनाई तिरपाल बिछा के इसकी मनाई शुरू हो जाती है। पहले मोहट भी चलते थे, अब मोहट खत्म हो गए हैं, अब रह गए हैं तिरपाल, अब तिरपालों से ही काम। ये जो जो भी भाई लोग अगर देश में है ना, सब लोग देखो अभी सब लोग व्यस्त हैं, सब लोग आ सकते हैं अभी घर क्योंकि घर में भी बहुत लोगों की जरूरत होती है क्योंकि ये असोज का महीना, असोज का महीना है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। देखो सुनील ये अपना कारोबार छोड़ के यहाँ थुपड़ा लगाने में लगा, कोई मेरठ से पहुँचा है तो कोई हल्द्वानी से, कोई मुंबई से, तो सब लोग जो है अधिक से अधिक लोग पहुँच सकते हैं क्योंकि असोज में यहाँ पर ज़रूरत
बहुत सारे लोगों की है। तो दोस्तों देख सकते हो मैं हूँ गार्डन में, और यहाँ गार्डन में चारों तरफ दिखा रहा हूँ कि गेठी लगी है, कहीं पर अमरूद लगे हुए हैं, और यहाँ हल्दी भी काफ़ी मात्रा में लगा रखी है, और ये मेरे पीछे और ये बेल है, ये है हल्दी भी लगा रखी है, और अदरक लगा रखा बहुत ज़्यादा मात्रा में अदरक है, और ये माल्टा का पेड़ है, बहुत ज़्यादा फल वाले पेड़ भी यहाँ पर हैं। और आज गार्डन में जो है घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ हो रखी है, और यहाँ पर कागजी नींबू भी हो रखे हैं, फल के बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेड़ हैं, और रिखुआ भी है, रिखुआ का गच्चर भी यहाँ पर है। चलिए दोस्तों ले जाता हूँ आपको गार्डन में, यहाँ पर लगी है पहाड़ी गेठी, ये देखिए बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है ये देखिए गेठी लगी हुई है पेड़ में, और बहुत सारी गेठियाँ लगी हैं, आजकल गेठी की ही सब्जी चल रही है ये देखिए, और ये बेल गई हुई है इसकी, और बेल छोटी है लेकिन इसमें गेठी जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। हाँ, अगर कोई गेठी खाने का इच्छुक है ना, ज़रूर कमेंट में बताए कि गेठी हमें चाहिए, तो आपके लिए भिजवा दी जाएगी गेठी। ये देखिए ये गेठी की बेल है, और हम हैं गार्डन में, ये देखिए गेठी की बेल ऊपर तक, और इसमें गेठी लगी है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और ये देखिए गेठी की सब्ज़ी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और जिनको वायबात होता है उनके लिए तो बहुत ही रामबाण है ये। ये देखिए बहुत सारी गेठियाँ लगी हुई हैं इसमें। ये भैया अब हमारी धन्नो निकल चुकी है हड़बगड़ की ओर, और हमको जाना है हड़बगड़, काम है बहुत इम्पोर्टेंट काम है, फोन आया था तो अब जाना ही पड़ेगा है ना। और ये देखिए चढ़ाई में हम लोग चढ़ रहे हैं, रोड है कच्ची, ये देखिए 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 ओ खतरनाक हो रहा भाई। और बता अच्छा क्यों भैया पहुँच गए हम नौगांव, ये प्रधान जी भी यहाँ पर है। प्रधान जी और सुनाओ ठीक ठाक हैं, और क्या चल रहा है? तो नौगांव से निकल चुके हैं हम लोग भैया, हम पहुँच गए हैं सिलंगतोली में, ये है सिलंगतोली की मार्केट और गांव। जैविक कूड़ा भी यहाँ कूड़ादान लगा रखा है, ये लोग आ रहे हैं खेतों से। ये रोड है चकोटिया मोटर मार्ग के नीचे वाली है ये वाली, और ऊपर वाली होगी कोहिना वाली। तो हम लोग निकल गए हैं चकोटिया मोटर मार्ग में, तो फाइनली पहुंच गए हैं हड़बगढ़, ये गुलजू के दर्शन हो गए हैं, वहाँ गुलजू का मंदिर है, इस साल गुलजू की जोनार भी है, सब लोग अधिक से अधिक भीड़ में पहुँचने का कष्ट करें। ये है दुकान यहाँ पर, ये ओ नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ये देखिए धुनी में ना भैया, ये है चकोटिया मोटर मार्ग का पहला पुल हमने क्रॉस कर दिया हड़बगड़ वाला है, और ये देखिए ये है गरुड़ गंगा, गरुड़ गंगा मतलब पानी कमा रहे हो ढूंढ ढूँ देखनी है, रोड बिल्कुल ये अस्त व्यस्त हो रखी है, गिड़तुली और यहाँ बहुत बड़े बड़े गांव हैं इसके अंदर, ये देखिए झटके भी लग रहे हैं। ये आ गया कालू भी आ गया, कालू आजा आ आ चल आजा, ये इससे भी मुलाकात हो गई है, ये देखिए ये सब लोग बैठे। अरे यार कहाँ चल रहा है यार, सर में यार तू कहाँ चल रहा है, सर में कहाँ चल रहा है, ये अब मेरे को, अरे ये गंदा कर दिया तूने, चल 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 उधर चलते आजा, चल आजा आ भाई, ये चकोटिया मोटर मार्ग की पहली दुकान है, यहाँ पहुँच गए हम चंदा की दुकान में, ये सब पंडित जी लोग भी बैठे हैं, किदारदा बैठे हैं, महेश बैठा है, और बताओ किदारदा और ठीक अच्छा अगू था धान आनू पंडित जी भैया, अच्छा और बताओ क्या नशा चंदा गल नशा है किलो किलो आफत है अच्छा तमाखले बीन भी दूँ अच्छा तो अच्छा हाँ ये भी ठीक
ये भी ठीक है, लकड़ी वाला चूल्हा है। तो दोस्तों यह है चंद्रनाथ जी की दुकान, यहाँ तो एक चक्कर हम शाम को आते ही हैं। तो अभी शाम कितना हो गया, लगभग टाइम हो गया 4:30 बज चुका है। दुकान में बैठते हैं अभी थोड़ी देर, चाय पानी पीते हैं, लोगों से गप्पे सप्पे हैं महेश और ठीक करता। तो दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आने, चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली बेहतरीन वीडियो आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।